हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस दिन की आप अपने पार्टनर की एनर्जी जान सकेंगे इस रीडिंग को देखकर। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और खुद को पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिविटी को अगर आप रीयूनियन चाहते हैं अपने फोर्सन के साथ, मैं हमेशा समझाती हूँ, तो नेगेटिविटी को आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज उनके लिए, ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। ठीक है, वाह। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं आपको लेकर कि वो कुछ तो अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ वापस आने के लिए। वो जानते हैं कि कुछ अच्छी पॉजिटिव जर्नी है आपके साथ, भले से उन्होंने कभी बताया नहीं हो, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव ज़रूर करते हैं। इस जर्नी को आपके साथ पूरा करने के लिए वो भी या तो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों में से हो सकता है कि कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई हीलर हो, ये एनर्जीज कुछ हद तक हो सकती है। लेकिन सच कहूँ तो ये सोचना भी आपसे मिलने के लिए, रीयूनियन करने के लिए, जो भी इसने नेगेटिव चीज़ें की हैं उसकी गलती की माफ़ी मांगेगा। कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहा है आपके पास आने के लिए, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, और आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे सॉरी बोल सकता है कि मुझसे गलती हो गई है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ से चला गया था रिलेशन को अधूरा छोड़कर, ये पर्सन वापस आना चाहता है। ये इस पर्सन की एनर्जी है, वापस आएगा ये मुड़कर आपके पास। इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करता रहता है इस पर्सन का, दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा है। सेम एनर्जी जैसी आपकी है ना कि आपका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा है, वैसे इस पर्सन का भी किसी भी काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। पूरा टाइम आपके बारे में सोचता रहता है ये पर्सन, है काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा है या कर रही है आपको। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की आपके लिए। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है क्योंकि आप इतना मिस, क्योंकि वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो इधर एनर्जीज आपके पास भी आ रही है और फिर आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे वापस लौट कर आए तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। कभी इसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की होंगी आपको, अपना प्यार नहीं जताया होगा, कोई अच्छा कभी रोमांटिक से मैसेज नहीं किया होगा, तो ये पर्सन अब आपको कोई रोमांटिक मैसेज भी कर सकता है। आपको लेकर पॉजिटिव भी है ये पर्सन, इसका पूरा दिल दिमाग आपकी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रीडिंग आपके लिए, आपके पार्टनर एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी है। रीडिंग पसंद आए तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाय।